सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे ना, मंडे, आज आज है मंडे। और अभी अभी बज चुके हैं सुबह के 10। तो अभी हम जा रहे हैं बस्ती में, क्योंकि अभी ट्रेडिशनली हमारा ये कुछ मतलब फेस्टिवल चल रहा है यहाँ बस्ती में। हमारा नहीं, हमारे दोस्तों का फेस्टिवल चल रहा है, जिसे कहते हैं भोजो ना, हजू खुआ कहते हैं इसे। और ये नोक्ते ट्राइब में मनाया जाता है। मतलब आज है अक्टूबर 10 है, तो आज इन लोगों का फेस्टिवल है। तो इसीलिए आज हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं क्या को, मीट को। मतलब इन लोगों का ट्रेडिशनली मतलब ऐसा होता है कि गाइस अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं बस्ती में, तो उन्हें सबको मतलब कुछ मीट के जैसे टोपले बनाकर मतलब घर घर देने जाते हैं। तो यही जा रहे हैं, इन लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस ही है गाइस, जिसे कहते हैं लंगोटिया, और ये गेंजी, और ऊपर में ये टोपी जो इस भाई ने पहनी हुई है। और ये भी जा रहे हैं वो मीट का गुच्छा देने के लिए ना। अभी तकरीबन कितना घर में दे चुके हैं तुम लोग, बताए तो था। मतलब कम से कम 10 घर में ना, मतलब इन लोगों ने अभी तकरीबन 10 घर में दे चुके हैं ऐसा। मतलब टोपलान, मतलब जितना भी इन लोगों के रिलेटिव है इतने इधर बस्ती में, सबको देते हैं। तो अभी 10 घर जैसे दे चुके, अभी बचा कितना है, जैसे कि अभी 2-3 बचा है ना, यहाँ में 2 बचा है और पता नहीं वहाँ में 1 बचा होगा शायद, अभी 3 बचा है। तो ये लोग जा रहे हैं मतलब देने के लिए, अब ये भी दे देंगे। उसके बाद बाद में शाम को गाइस हमारे एक स्टेज बनवाया गया है इन लोगों के राजा के घर में, और उस स्टेज में आज रात को होगा धमाकेदार ट्रेडिशनल कुछ प्रोग्राम्स। तो हमें सब मतलब ट्रेडिशनली होगा, मतलब ड्रेस व्रेस सब अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के, मतलब पूरा धमाका होगा ना। तो आज वो आपको दिखाएंगे। और अभी इन लोगों के साथ में जा रहा हूँ, इन लोगों के साथ घूमने के लिए, थोड़ा मतलब इन लोगों के ट्रेडिशनल को समझने के लिए। मतलब हमें भी काम आएगा ना, क्योंकि हम भी इसी बस्ती से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि इन लोगों के साथ थोड़ा घूमे फिरे, इन लोगों के ट्रेडिशन में घुल मिल जाए ना। तभी हम जा रहे हैं, रात को मिलते हैं, मतलब रात को नहीं मिलते, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। अभी मैं मेरे दोस्त के घर जा रहा हूँ, क्योंकि उसने खास इन्वाइट किया, पता नहीं मेरे लिए उसने कुछ स्पेशली बना के रखा है। तो इसलिए मैं जाऊंगा, मैं और कुछ दोस्त आ रहे हैं बाइक से, जो कि नोक्टे ट्राइब से नहीं है, अलग ट्राइब से। तो मतलब उन लोगों ने खास इनवाइट किया ना, क्योंकि हम उन लोगों के क्लासमेट हैं, और इन लोगों ने इनवाइट किया, तो बाद में आएंगे इन लोगों के घर रातों में। अभी हम मतलब अभी दिन को जो है, मतलब एक दोस्त है, मतलब 2 नंबर से, ये अभी 3 नंबर है, हम अभी 3 नंबर में है, 2 नंबर में उसका घर है। तो 2 नंबर में वो है, वो 2 नंबर, मतलब गाइस बोला 2 नंबर नहीं, यानी कि नहीं, ये गलत फायदा, गलत मतलब मत निकालो रे सांड वाले भैया। ओए सांड वाले भैया, गलत मतलब मत निकालो। मतलब गाइस ये राजानगर जो है ना, ये नोक्ते मतलब बस्ती, ये 3 भागों में डिवाइडेड है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तो सब राजानगर ही है। तो अभी हम 3 नंबर में है, तो मेरा घर भी 3 नंबर में ही है। तो 2 नंबर में एक मेरा दोस्त है, वो बुलाया मुझको, मतलब थोड़ी देर के बाद जाएंगे वहाँ, देखेंगे कि वो क्या किस तरीके से हमारा खातिरदारी करता है। और रात को जो है गाइस बहुत ही बड़ा धमाकेदार ट्रेडिशनल प्रोग्राम होगा, तो वो प्रोग्राम भी आपको दिखाएंगे। अभी हम जाने इस वाले भाई के घर में, क्योंकि ये टोपला जो है ना गाइस, ये टोपला देने जा रहे हैं इस वाले भाई के घर में। और गाइस टोपला वोपला देने के बाद मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तो बने रहो आज के ब्लॉग पर, धमाकेदार होगा। और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद गाइस, बने रहना आज। बारिश भी दे रहा था बहुत खतरनाक से, लेकिन भीग भीग के हम आए, फिर भी थोड़ा मतलब बीमार भी हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ज़्यादा नहीं चिल्ला सकता, इसलिए आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आई होप कि आप मुझे मेरी कंडीशन को समझकर मुझे सपोर्ट करेंगे, और मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे आई होप। अगर नहीं भी करते हो ना, तो भी मेरा सब कुछ जाता है, मेरा कुछ नहीं जाता गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। आज रात यहाँ कुछ होने वाला, देखिए ये इस जगह पर मतलब ये इन लोगों का ट्रेडिशनल डांस होगा, प्रोग्राम होगा। तो अभी इन लोगों के साथ जा रही है, मतलब इन लोगों के साथ मैं जा रहा हूँ, ये लोग जा रहे हैं मीट बांटने के लिए घर घर में ना। तभी अभी कौन सा घर में जाएगा, अभी ये जाएगा। और ये गाइस ये राजा लोग का घर है, तो यहाँ पर अभी ये मीट देने जा रहे हैं। तो आज रात को यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल प्रोग्राम होगा, आपको वो दिखाएंगे, तो बहुत ही मज़ेदार होता है। क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला, तो मुझे पता है, तो आज आपको भी दिखाते यहाँ का ट्रेडिशनल कुछ प्रोग्राम्स। तो आज के इस वीडियो पर अंत तक बने रहना, रातों में बहुत मज़ा आएगा। आज दिन का कुछ नज़ारा देखेंगे आपको, दिखाएंगे आपको, जाएंगे घूमने के लिए दोस्त के उधर, मतलब दोस्त के घर, दोस्त लोगों ने मुझे इन्वाइट किया है, तो वहाँ जाएंगे दोस्त लोग के साथ गाइस देने के लिए, मीट देने के लिए इस घर पर। अभी मैं तो बाहर ही बैठा हूँ, यहाँ गाइस ये भी जा रहा है मीट देने के लिए इस घर पर। अभी ये आने के बाद मिलते हैं, और इससे कुछ पूछते हैं इन लोगों के ट्रेडिशन के बारे में।
हाँ वही। अभी तुम कितना घर में दे चुके हैं मतलब ऐसा? पाँच छः जन तो तो इसने अभी पाँच छः जन लोग को दे चुका है। हमारे एक ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल ड्रेस पर आ चुका है। तुम अभी ट्रेडिशनल अपना ड्रेस क्यों नहीं पहने, बाद में पहनेगा मतलब शाम को? नहीं फिर भी ये तो एक है ही ना कोट ना, बाद में पहनेगा मतलब जब तुम लोग का ये प्रोग्राम होगा ना, है कि नहीं? हाँ अभी मतलब क्या तुम ये मीट देने गया था ना, कितना घर में दे चुका है ये ट्रेडिशनल ड्रेस है तुम लोग का ना, बढ़िया लेकिन हैंडसम लग रहा है रे। और इसका फोटो शूट हो रहा है यहाँ पर और बारिश दे रहा था। चलो मिलते हैं, अभी हम दूसरे घर पर जा रहे हैं देने के लिए फिर से, तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं जब हम लोग घर पहुँचेंगे ना। अभी बारिश दे रहा था, चलो चलते जल्दी जल्दी चलते इस वाले घर में देने आए हैं भाई लोग। तो चलो इसमें भी तुम जाओ, हम बाहर ही बैठते रहेंगे क्योंकि बारिश दे रहा है। बाहर भी मतलब बाहर मतलब वहाँ तालिया में बैठेगा हम, तुम लोग देख के जाओ। हो गया दे दिया ना, और कितना है? दो टू है ठीक है। और दो घर जाना है ना मतलब के घर में यहाँ पर। अब यहाँ देने जाएंगे, देख सकते हैं गाइस पूरा मतलब बारिश दिया था ना इसलिए पूरा नज़ारा आप देख सकते हो, क्या खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है इधर का अरुणाचल का। और यहाँ पर रास्ता देख सकते हैं आप, पूरा हाईवे बनवाया हमारे यहाँ का एमएलए लोगों ने, पूरा पैसा खा खा के पूरा हाईवे बना दिया। तो ये हमारा भाई लोग भी पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस में पूरा ट्रेडिशनली स्टाइल में चल रहे, चलने का स्टाइल भी देखो पूरा ट्रेडिशनल लग रहा है। और इस वाले को देखो, इसका सर ट्रेडिशनल है और सब बाहर तो यूरोपियन मार दे दिया टोपला। अब जाएंगे अलग घर में, अब कहाँ जाएंगे, अब इधर जाएंगे ना, वहाँ एक दो घर है। इसका जो था जो जितना भी देना था घर घर में सब खत्म हो गया, अब बस इस भाई का बचा एक, और इसका भी देना, ये भी थोड़ा दूर है इसको देने के लिए। अब इसको देने जाएंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा देने के लिए। पूरा दिन भर तो ये इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने में निकल गया ना आज का दिन। टीचर के घर तो वहाँ पर मतलब दारू दिया था टीचर ने, मतलब ऐसा हमारे टीचर कह रहे थे कि अगर अगले दिन मतलब किसी और दूसरे दिन अगर तुम पीते हुए पकड़े गए तो तुम खाओगे, और आज अगर तुम नहीं पियोगे तो भी खाओगे। तो गाइस कंडीशन ऐसा था कि हमें थोड़ा सा पीना पड़ा, और पीना है तो चढ़ता तो है ही ना गाइस। फील कैसे हो गया ट्रेडिशनल डांस, मैंने आपको बताया था ना कि ट्रेडिशनल डांस होगा, तो वही ट्रेडिशनल डांस होगा। शुरू भी हो चुका है, अभी शाम के बज चुके हैं चार, तो अभी हम जा रहे हैं बस्ती की तरफ, लेकिन अभी अंधेरा नहीं हुआ इधर, फिर भी पता नहीं अभी चार तो बज गए पर भी। तो अभी जा रहे हैं हम बस्ती की तरफ, तो दिखाएंगे वहाँ का ट्रेडिशनल डांस और कुछ ट्रेडिशनल लोग से मिलेंगे आपको, हूबहू कराएंगे, रूबरू कराएंगे उन लोगों से, और कुछ बातचीत भी करेंगे उन लोगों से, कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है और क्या असली रीज़न है इस फेस्टिवल के पीछे, तो सब आपको दिखाएंगे। तो बने रहो आज के ब्लॉग पर। क्या कहना है, कैसा लग रहा है मतलब अपना फेस्टिवल कैसा लग रहा है? अभी शुरू होने वाला तो इधर है, उधर अपना हो गया अपना फेस्टिवल हो गया इधर। आप ऐसा मत चिल्लाओ ना यार, अच्छा नहीं लगता है, कोई सिखा रहा है ऐसा लगता है ना।